महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा करीब करीब हो गया है। कांग्रेस की माने तो 174 और 114 की फॉर्मूले पर बंटवारा हुआ है। हालांकि एनसीपी कहती है कि गठबंधन तो तय है, लेकिन सीटों को लेकर बहस अभी जारी है। कांग्रेस दरबार में आजकल टिकट चाहने वालों की भीड़ है। महाराष्ट्र के दूर दराज गांव के नेताओं को पता है कि टिकट तो यहीं से मिलना है, और अब तो एनसीपी के साथ सीटों का बंटवारा भी करीब करीब हो चुका है। ऑलमोस्ट अब तो ये तो तय हो गया नंबर ऑफ सीट्स 114 और 174। अब उसमें ये भी काफी 80-90% सीटें तय हो गई हैं कि कौन से आइडेंटिफिकेशन कौन कौन सी लड़ेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के घर मुंबई में भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बैठक जारी है। साथ मिलकर चुनाव लड़ना तो तय है, लेकिन मुंबई की कुछ सीटों पर अब भी बहस जारी है। क्या है आज 288 का टोटल राउंड, एक राउंड कंप्लीट हुआ है, सेकंड राउंड के ऊपर अभी हम जा रहे हैं। कौन सी सीटें जो इसमें एक्सचेंज करना है, कौन सी सीटें में क्या मेरिट है, क्या इसकी डिबेट अलग अलग दोनों बैठकर कर रहे हैं। सवाल है कि पिछले विधानसभा में ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी एनसीपी झुक कैसे गई। पवार साहब को इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि उनको डर था कि कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह यहाँ कांग्रेस उनको धोखा ना दे दे। वैसे भी पवार साहब मजबूरी का फायदा तो हर कोई उठाता है। 2004 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 157 और एनसीपी 127 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने 69 और एनसीपी ने 71 सीटें जीती थी। फिर भी इस बार 174 सीटें कांग्रेस और 114 सीटें एनसीपी की झोली में जाने की उम्मीद है। कहते हैं कि अब हालात बदल गए हैं। लोकसभा चुनावों ने कांग्रेस के तेवर को मजबूत कर दिया है। मुंबई से राहुल माजनी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। और यही नहीं, हमारे सामने मिसाल है उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां पर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने तल्ख तेवर दिखाए थे, मगर नतीजा क्या है कि सबके सामने है।